उस्ता आर्ट के नाम से सोने पर नक्काशी की ये कला पूरे देश में अपनी पहचान रखती है। नक्काशी की ये उस्ता कला पहले ऊंट की खाल पर बनती थी, पर धीरे धीरे ये लकड़ी, कांच, संगमरमर और अब किसी भी सरफेस पर की जाती है। इस कला के जाने माने कलाकार हनीफ उस्ता के मुताबिक ईरान, मुल्तान और अफगानिस्तान होते हुए ये कला और कलाकार भारत आए थे। महलों में उस्ता कला का प्रचलन शुरू हुआ और रुकनुद्दीन जैसे महान उस्ता कलाकार ने बीकानेर के जूनागढ़ किले में नक्काशी की। बाद में इन कलाकारों से लोगों ने मंदिर, मस्जिद और हवेलियों में नक्काशी करवाई। 3 साल पहले राज्य सरकार ने हमारे विश्व के एक इकलौते प्रशिक्षण केंद्र को बंद करके मुझे सजा के तौर पर जयपुर जाके बिठा दिया। जयपुर में हालांकि जगह तो बहुत अच्छी है, डिजाइनिंग डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, बाकी बदकिस्मती से राज्य सरकार की अनदेखी और अधिकारियों की अनदेखी के होते हुए हमारा वो डिजाइनिंग डेवलपमेंट सेंटर जो जयपुर में चल रहा था विश्व का अकेला, उसको भी बंद कर दिया। ऊंट की खाल पर होने वाली नक्काशी में काफ़ी समय लगता है, इसमें बारीकी से काम होता है, इसमें विशेष रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खासियत ये है कि इसमें सोने और चांदी के वर्क का इस्तेमाल होता है जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है, पर इसे ग्राहक की डिमांड के अनुसार बनाया जाता है। उस्ता कला को सीखने के लिए विदेश से भी स्टूडेंट्स आए और यहाँ से इस कला को अपने देश ले गए, पर अब भारत में इस कला को सीखने वाले कम हैं क्योंकि इस कला के प्रचलन में कमी आई है। सरकार भी इसमें मदद नहीं कर रही। इस कला से बनने वाली चीज़ें बाजार में बेचने का कोई सही तरीका सरकार ने नहीं बनाया है, नतीजा कलाकार मायूस है। मैं ये काम पिछले 15 साल से कर रहा हूँ और इस दौरान हमने ये काम विश्व स्तरीय स्थलों पे किया, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन असद चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अली की दरगाह में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अली की दरगाह में, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली की दरगाह में पूरा काम किया। सरकार ने इस कला के कलाकारों को पद्म विभूषण से नवाजा, लेकिन आज ये कलाकार इस कला से दूर भाग रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से इसे संरक्षण नहीं मिला। कोई ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है, जो था बीकानेर में वो अब बंद हो गया है। लेकिन उस्ता जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस कला को समर्पित की, उनका कहना है कि आज ये कला अपनी अंतिम सांस ले रही है। सरकार को चाहिए कि वो आगे आए और मदद करे। बीकानेर से श्री गोपाल व्यास, जानो दुनिया।